दोस्तों घुटनों की सूजन आना एक अमूमन बात नहीं है। घुटने में या फिर घुटने के अंदर सूजन आने के बहुत से कारण होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूड इकट्ठा होता है, जिसे हम लोग नी इफ्यूजन कहते हैं। घुटने में पानी भरना भी इसी समस्या का दूसरा नाम है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घुटनों में पानी क्यों भरता है, यानी कि ये नी इफ्यूजन क्यों होता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे घरेलू उपचार जिसके थ्रू आप अपने इस घुटने के दर्द और घुटने की सूजन को घर रहकर बड़े ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। दोस्तों जॉइंट इफ्यूजन यानी कि घुटनों में पानी भरना एक ऐसी समस्या है जिसके कारण हमारे घुटने का जो जॉइंट है उसके चारों तरफ एक्स्ट्रा फ्लूड आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये बेसिकली ये फ्लूड हमारी बॉडी के हर जॉइंट को हेल्दी रखने का काम करता है। ये एक मिनिमम अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, लेकिन जब भी किसी इंजरी कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है किसी भी एरिए में, तो उस एरिए के अंदर ये फ्लूड एक्स्ट्रा बनना शुरू हो जाता है और वो हमें सूजन के रूप में नज़र आता है। दोस्तों नी जॉइंट इफ्यूजन के अगर हम कारणों की बात करें कि किस कारण से हमें ये इफ्यूजन देखने को मिलता है, तो वो है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लिगामेंट या मेनिस्कस की किसी प्रकार की चोट होना, आपको किसी प्रकार का फ्रैक्चर अगर आपके घुटने के आसपास है तो भी आपको जॉइंट इफ्यूजन देखने को नज़र आ सकता है। वहीं कुछ इन्फेक्शन कंडीशंस होती हैं जिसके कारण भी आपको ऐसा होता है। साथ ही बर्साइटिस, सिनोवाइटिस, ये ऐसी कंडीशन है जिसके कारण आपको नी इफ्यूजन देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर हम नी जॉइंट इफ्यूजन के सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको विजुअल स्वेलिंग नज़र आती है जब भी आप अपने नॉर्मल घुटने से इसे कंपेयर करते हैं। साथ ही आपको उस घुटने के ऊपर दबाने पे दर्द भी महसूस होता है और जब आप अपने इस घुटने को सीधा या मोड़ने की कोशिश करते हैं तो भी आपको काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहीं आपके घुटने के अंदर टेम्परेचर चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपका अफेक्टेड जो घुटना है उसका जो टेम्परेचर है वो आपके नॉर्मल घुटने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों घुटने की सूजन को कम करने के लिए जो सबसे पहला उपाय है वो है रेस्ट, यानी कि आपको आराम करना है जब भी आपको घुटने में सूजन नज़र आती है। दोस्तों घुटने का जॉइंट हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है, हमारी बॉडी का जितना भी वेट होता है वो वॉकिंग करते समय हमारे घुटनों के ऊपर आता है। अगर आप सूजन होने पर भी अगर आप वॉक करेंगे, चलेंगे, खड़े रहेंगे तो आपकी सूजन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो रेस्ट सबसे पहला ट्रीटमेंट है जो आपको करना है, जिससे कि आपके घुटने को रिकवरी का पूरा टाइम मिले और आपकी सूजन भी उसमें कम हो। इसी के साथ जो दूसरा ट्रीटमेंट आपको करना है वो है आइसिंग, आपको बर्फ़ का सेक करना है अपने घुटने के ऊपर जहाँ पर आपको सूजन नज़र आती है। बर्फ़ का सेक करने से आपको दर्द में भी काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा, साथ ही आपकी सूजन भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तीसरा जो ट्रीटमेंट है जो आप कर सकते हैं अपने घुटने के दर्द के लिए वो है कंप्रेशन। आपको अपने घुटने का कोई कवर पहनना है और उस घुटने के कवर से आपके घुटने की मांसपेशियों पे कंप्रेशन रहेगा और इस कंप्रेशन से भी आपकी स्वेलिंग बढ़ेगी नहीं, साथ ही धीरे धीरे ब्लड फ्लो के साथ वो क्लियर आउट होती जाएगी। लास्ट ट्रीटमेंट है जिसके अंदर वो है एलिवेशन एंड एक्सरसाइजेस। दोस्तों आपको घुटने को लेटकर आपको किसी तकिए के ऊपर आपको अपने पैरों को रखना है जिससे ब्लड फ्लो के साथ में भी आपकी सूजन धीरे धीरे कम होती जाए। साथ ही कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज, एंकल एक्सरसाइजेज, आइसोमेट्रिक घुटने को नीचे दबाने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी आप कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है आपके घुटने की सूजन को कम करने के लिए। ध्यान रखने की बात यह है कि ये सभी ट्रीटमेंट तभी आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगे जब अगर आपको जो घुटने की सूजन है वो किसी इंजरी के कारण है। अगर आपको घुटने की सूजन किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी प्रकार की अर्थराइटिस के कारण है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, प्रॉपर जो उसका कारण है घुटने की सूजन का उसको फाइंड आउट कराएं और उसके बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, जिससे कि आपको घुटने के दर्द, घुटने की सूजन में प्रॉपर और अच्छे से आराम मिल पाए। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पे, और अपने दोस्तों के साथ में या फिर उन लोगों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो इस घुटने के दर्द और घुटने की सूजन से लंबे समय से परेशान है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।